हैं जी न्यूज 18, हर खबर का सच यानी पूरा सच। राजनीतिक दुनिया की हर पंक्ति पर अपराध पर कसा सजा, किसने किया भ्रष्टाचार और कौन है अपराधी, हर खबर यानी पूरा सच देखना ना जी न्यूज 18 सिर्फ। शो का कॉल आया था तो सबसे पहले यही मैं तो बहुत खुश हो गया था कि चलो एमटीवी का शो, न्यू शो आ रहा है, मुझे कॉल आ गया। जब उन्होंने बताया कि आपको प्रेजेंट भी लेना है, मतलब कि ठीक है प्रेजेंट ही तो लेना। फिर जैसे उन्होंने बोला एक्स, मैं ब्लैंक, बोला एक्स को कैसे लूँगा, चलो ठीक है ले भी लिया, तो दोनों को साथ में कैसे लेके चलूँगा और कन्वेंस कैसे करूँगा। तो न्यू शो का कंसेप्ट भी बहुत अच्छा है, और शो का कंसेप्ट ये है कि आपको ना एक लेके जाना है आगे, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि आपको किसके साथ जाना है किसके साथ नहीं जाना है। क्योंकि आजकल यूथ में, हम भी यूथ ही है तो हमें भी पता है कि हम दो के बीच फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं अट्रैक्शन आ जाता है, एक कहीं ना किसी से प्यार हो जाता है। तो ये शो हमें एक वो दिखा रहा है, एक डायरेक्शन दिखा रहा है कि आप अपने प्रेजेंट के साथ जा सकते हो या एक्स के साथ भी जा सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप अपने प्रेजेंट के साथ ही हो तो उसके साथ ही जाओ, क्या पता आप प्रेजेंट के साथ हो और गलत हो, या वो अट्रैक्शन हो, जो भी हो, आपको प्रेजेंस हो गया। तो अभी आपकी बारी आएगी तब बोल रहा है, आपकी बारी आएगी तब बोल रहा है। सो मैंने आपकी हेल्प की राहुल, आई एम योर बेस्टी, राहुल आई एम योर बॉयज आर लाइक दैट बेस्टी, दे आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड। तो ऐसे हमें कंफ्यूज करके रखा है बॉयज के पूरे शो में, दो के बीच में ऐसा ही है, और हम लड़कों को कुछ बोलने ही नहीं देते लड़कियां, क्योंकि यहाँ भी चालू हो गई दोनों। यहाँ पे भी किससे शुरुआत हुई, लड़कों से, शो में भी ऐसा ही होता था, हर एक जगह लड़के लड़के शुरुआत लड़कों से होती है बट खत्म लड़कों पे। इट्स डिपेंड ऑन अस ना कि हम अपने चैलेंजेस को कैसे लेते हैं। अब लड़कियां अगर उनको बोलने का मौका दिया जाता है, लड़कों को बोलने का मौका दिया जाता है, तो हम लड़कियां आगे से ही कपड़े धोती ऑफ कैमरा। That's not true. इतना
कच्चारो है लड़कों पे। ओह बैड यू आर, दैट्स नॉट ट्रू। मैं है या नहीं, बट अगर ये ट्रू भी है तो ये प्यार है। एग्जैक्टली दैट, लड़के लोग आपको के कपड़े नहीं धोती। वही तो, आपको यकीन होगा मैं बताती हूं आपको, नील मिश्रा मैं बहुत ज्यादा मिस कर रही हूं, वो यहां पे नहीं है। वो अपने बॉयफ्रेंड के कपड़े धोती थी, तो बॉयफ्रेंड को क्या प्रॉब्लम है? गर्ल्स एग्जैक्टली, कपल में हम किसी के कपड़े नहीं, हम तुम्हारे कपड़े। हाँ तो बेटी लड़कों को भी थोड़ा सा प्यार दे देती। सुनो सुनो, इसने मुझे शो में बोला है कि मैं स्ट्रॉन्ग लड़की नहीं हूँ, प्लीज इसको याद रखे। इसी राहुल यादव गाइस, कल का एपिसोड देख के आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की ये है। सीरियसली पावर एक यूट्यूब चैनल है और बहुत अच्छा काम करता है, और हम पहली बार अपने नए शो डे टू रिमेम्बर के साथ एमटीवी पे हैं। 3 वीक हो चुके हैं हमारे शो को, आज 4th एपिसोड आएगा 8 बजे। जो लोग ना देख पाए वो 11 बजे रिपीट देख सकते हैं। बच्चों ने फैंटास्टिक काम किया है। मैं बहुत सारे शोज का हिस्सा रहा हूँ, झलक दिखला जा, नच बलिए, बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी, बहुत सारे फिक्शन शोज, उनकी कास्टिंग्स, उनके सेलिब्रिटीज मैनेजमेंट, पीछे रहकर काम किया है, प्रोड्यूसर्स के साथ रहकर काम किया है। हाँ, पहली बार खुद शो प्रोड्यूस किया है, मेरे साथ में सरबजीत आनंद, निशांत पिटी फ्रॉम इज माय ट्रिप एंड नंदी बख्शी, हम लोग 4 लोग थे शो को प्रोड्यूस करने में। लेकिन वो परेशानियाँ जो बीइंग प्रोड्यूसर होती हैं वो पहली बार खुद फेस की, बट मज़ा आया क्योंकि टीम जो हमारे साथ थी वो अच्छी थी, हमारी डायरेक्टर टीम बहुत अच्छी थी, हमारे कंटेस्टेंट बहुत अच्छे थे, इन कंटेस्टेंट के साथ इनके मेंटोर्स मिस्टर मनु पंजाबी, नंदी बख्शी, दिव्या अग्रवाल, बहुत अच्छे तीनों मेंटोर थे इनकी, होस्ट साथ में, वहाँ कुछ सेलिब्रिटीज गेस्ट भी आए, नेहा पैंट से आई, करणवीर वोरा जिस दिन आए उस दिन उनके साथ हम शूट नहीं कर पाए। वो परेशानियाँ जो एक प्रोड्यूसर पहले शायद उठाता रहा होगा, वो मैंने पहली बार फेस की कि एक्टर दिल्ली पहुँच गया लेकिन उसके बाद भी हम उनके साथ शूट नहीं कर पाए, वो हमारा दुर्भाग्य था। अच्छा बन गया है शो, रेटिंग वाइज पहले वीक की जो रेटिंग थी वो बहुत अच्छी आई है, हम सब बहुत एक्साइटेड हैं और हम चाहते हैं कि वो रेटिंग्स जो हमने हासिल की हैं उन रेटिंग्स को हम 12 वीक तक लगातार वैसे ही मेंटेन करें, और इसलिए हम आज आप लोगों के सामने अपनी बात को रखने के लिए। जैसे मैंने बताया कि बहुत बड़े बड़े शोज हिंदुस्तान टेलीविजन के जो बनते हैं, हर प्रोडक्शन हाउस के साथ बहुत क्लोजली मैंने काम किया है उनकी फिक्शन कास्टिंग में, क्योंकि 100 से ज़्यादा सेलिब्रिटीज के साथ पिछले 4.5 साल से मैं टेलीविजन सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कर रहा हूँ। उससे पहले भी मैं 7-8 सालों से यूपी गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट के शोज करता था, इवेंट्स करता था। चैलेंजिंग था मेरे लिए, मेरे पूरे 4 प्रोड्यूसर्स के लिए चैलेंजिंग था, क्योंकि हम 4 ही पहली बार कुछ प्रोड्यूस कर रहे थे। नंदी बख्शी बहुत बड़े सिंगर हैं बट उन्होंने प्रोड्यूस कभी कुछ नहीं किया। सरबजीत बहुत ज़्यादा बड़ी जॉब यूके और यूएस में करके आए हैं, मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं, वो इज़ द क्रिएटिव प्रोड्यूसर ऑफ दिस शो। उनका कॉन्सेप्ट था, हम दोनों ने साथ में बैठ के लिखा, कुछ चीज़ों में वो नहीं चाहते थे हो वो मैंने करवाई और कुछ चीज़ें जो मैं चाहता था वो नहीं हुई। वो हम 4 प्रोड्यूसर्स की जिम्मेदारी थी कि शो बहुत फेयर होना चाहिए, शो में कंटेस्टेंट जो भी आए वो अपने टैलेंट पे आने चाहिए। गलती से कहूँ या किस्मत से कहूँ, हमें ऐसे मिल गए वास्तव में जो जिनके अंदर बहुत ब्राइट फ्यूचर मैं देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ब्राइट, सबका ब्राइट है, बट कुछ टैलेंटेड ऐसे लोग हैं, मतलब अदिति उनमें से एक है। मैंने इसे आज पहली बार इसके काम को देखा, मुझे नहीं पता था इसने इतना सारा काम किया हुआ है। हनी आज की तारीख में ऑलरेडी हमारा शो करने के बाद 7 PM डेली तू सूरज में सांझ पियाजी नाम का शो कर रही है जो स्टार प्लस पे आता है। स्वाति पटना से हैं, मैं स्वाति के अंदर एक अच्छा फ्यूचर देखता हूँ। लवली ऑलरेडी बहुत सारे शोज कर चुकी हैं, कैमियोज किए हैं उन्होंने। राहुल के बारे में भी मैंने आज जाना कि ये लड़का 1 साल से बॉम्बे में, क्योंकि हमारी मुलाकात नहीं हुई, ये सेट पर होते थे, ये लोग अपने टास्क में लगे रहते थे, मस्तियाँ करते रहते थे, अपने मेंटोर के साथ ज़्यादा होते थे। ये सारे बच्चे अपने अपना शहर छोड़ के, अपना अपना प्रदेश छोड़ के यहाँ आए हैं और इनमें टैलेंट है, और मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी मेरा तजुर्बा रहा है ये लोग आगे जाएंगे। और जो आपका सवाल था, परेशानियाँ नहीं आई थी, एक चुनौती थी हम लोगों के लिए, पहला सीज़न बना लिया। हमारा शो इतना अच्छा बना है कि MTV सीज़न 2 सीज़न ख़त्म 1 होने से पहले ख़त्म चाहता है कि हम लोग फ्लोर पे चले जाएँ। और मैं इन बच्चों को जब ये मेरे साथ बैठे थे, मैंने इन्हें कमिट किया है कि सबकी नहीं कह सकता बट 9 ट्रायल्स थे हमारे शो में, यानी टोटल 27 लोग थे, 1-2 लोग और एक्स्ट्रा भी थे, कुछ क्यूपिड्स आए थे, ये लोग ये ट्रायो नहीं था इसके, ये 4 लोग थे, लेकिन टॉप 4 या मैक्सिमम टॉप 5
यानी कि 10 से 12 लोग D2R में जो ऐसे थे, मैं आज मीडिया के सामने से बोल रहा हूँ कि ये लोग D2R सीजन 2 का हिस्सा होंगे। ये लोग कंटेस्टेंट नहीं होंगे उस शो के, क्योंकि कंटेस्टेंट बन के ये लोग जो भी करना चाहते थे कर चुके हैं, लेकिन ये मेंटोर भी नहीं हो सकते क्योंकि अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी भूमिका में, किसी ना किसी रूप में ये D2R से जुड़े रहेंगे और ये ऑन एयर D2R 2 में भी दिखाई देंगे। कौन कौन जो होगा इसके लिए, सीरियसली मैं सर को बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने हमें पहले शो का भी पार्ट बनाया और वो सेकंड के लिए भी सोच के बैठे हैं। कौन कौन होंगे वो सरफ सर जो इस शो के क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं वो बाकी प्रोड्यूसर्स उन सबकी कॉल होगी, लेकिन हाँ जिनमें टैलेंट है, हाँ जो डिजर्व करते हैं, हाँ जो अपने अपने स्टेट से बहुत अच्छा टैलेंट ढूंढ के लाकर देने में हमारी मदद कर सकते हैं, डेफिनेटली वो हमारे साथ D2R 2 का हिस्सा जरूर होंगे। यदि आपके शहर में आसपास कोई घटना दुर्घटना या किसी तरह की खबर है तो जी न्यूज हैकिंग पर वीडियो सहित पूरी डिटेल देख सकते हैं और हमारे जी न्यूज हैकिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं जी न्यूज 18, हर खबर का सच यानी पूरा सच।